हेलो एवरीवन, अंजूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ घेवर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सावन का महीना चल रहा है, तीज और राखी जैसे त्योहार आ रहे हैं, ऐसे में घेवर की जरूरत तो सबको ही होगी। घेवर बनाने के लिए बस कुछ खास टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप भी इसी तरह के घेवर बना सकें। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका बैटर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा, वजन से करीब 150 ग्राम होगी, और आधा कप दूध। घेवर के बैटर को हम मिक्सी में बनाएंगे। ट्रेडिशनली ये हाथ से बनाया जाता है, लेकिन इसे घोलने में बहुत टाइम लगता है और मिक्सी में ये फटाफट रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में घी डालेंगे। ये मैंने देसी घी लिया है, आप वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल का यूज ना करें। ये 4 चम्मच घी मैंने इसमें ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी आइस क्यूब्स। ये मैंने इसमें 4-5 आइस क्यूब्स डाल दी है। अब हम इसे मिक्सी में चलाएंगे। ये घी बर्फ में चलाने से कितना जमसा गया है एकदम, और जो इसके दाने हैं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एकदम क्रीमी होता जा रहा है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब दूध डाल के हम इसे फिर एक बार चलाएंगे। घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी मैदा ऐड करेंगे हम, एक बार में सारी नहीं डालेंगे। पहले मैंने 4 चम्मच डाल दी है। अब इसे चलाएंगे। इस तरह से हम इसमें थोड़ी थोड़ी मैदा ऐड करते जाएंगे और जब नीड होगी तो थोड़ा बहुत ठंडा पानी भी डालेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच बेसन भी ऐड करूंगी। अभी काफी थिक हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा चिल्ड पानी ऐड करेंगे। बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें करीब मैंने आधी बोतल पानी ले लिया, मतलब 500 मिलीलीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें ये बैटर चाहिए। आप जब भी बैटर बनाए तो एक तो ये बड़ा जार लें, क्योंकि ये क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है इसकी, और दूसरा एकदम चिल्ड वाटर का यूज करें। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमने एक बोल में कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं और ये जो बैटर रेडी किया है, इस बोल को हम आइस क्यूब्स पे रखेंगे ताकि ये एकदम ठंडा बना रहे। घेवर बनाने के लिए हमने ये भगोनी ली है, इसमें मैंने हाफ क्वांटिटी में ऑयल को डाल दिया है। आप जो भी बर्तन ले उसको आधा ऑयल से या घी से भरते हैं, जिसमें भी आप घेवर को फ्राई करना चाहते हैं, और जितने साइज का आप घेवर बनाना चाहते हैं उतने ही साइज का आप बर्तन लें। बैटर को ऑयल में डालने के लिए आप इस तरह से कोई बड़ा चम्मच या इस तरह का कोई चम्मच भी ले सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, पर घोलिए एक बार में कम क्वांटिटी में ही
डलेगा, इसीलिए मैं इस तरह की चम्मच यूज कर रही हूँ। और या फिर आप सॉस की बॉटल से भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम हमने हाई किया हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे एकदम पतली दरार से। बेलन से बीच में होल बनाते जाएंगे और इस होल में ही हम हर बार घोल डालेंगे। ये करीब मैंने 6-7 बार इसमें घोल डाला है थोड़ा थोड़ा करके, और ये थोड़ा थोड़ा सिकने लग गया है। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से नाइफ के हेल्प से किनोर से हटाएंगे और इसको हल्का सा दबाएंगे ताकि ये ऊपर के लेयर भी सिक जाए। ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे और इसे इस तरह से निकालेंगे। और निकाल के इस तरह से स्टैंड पे रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल नीचे प्लेट पर आ जाए। बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। अब इसी तरह से हम बाकी के घेवर भी रेडी करेंगे। हमने सारे घेवर बनाकर रेडी कर लिए हैं। इतने बैटर में पूरे 5 घेवर बनकर रेडी हो गए हैं। एकदम परफेक्ट जालीदार हलवाई जैसे घेवर बने हैं। आप भी इस तरह से घेवर बना सकते हैं, बस कुछ टिप्स को फॉलो करना है। बैटर बनाते समय सभी सामानों के मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। दूसरा, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, बैटर एकदम चिल्ड होना चाहिए और जिस ऑयल या घी में आप फ्राई करेंगे वो एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है फ्राई करते समय, और बैचेस में हमें घोल को डालना होता है। एक साथ सारा बैटर नहीं डालना, एक स्पून से हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना होता है। एक बार बैटर डालने के बाद जब ऑयल में से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, जब हम सेकेंड टाइम बैटर डालते हैं। इस तरह से हमें 7 से 8 बार इसमें बैटर डालना है। इस तरह से घेवर बनाएंगे तो आपका घेवर भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब घेवर को मीठा करने के लिए हम शुगर सिरप रेडी करते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन में मैंने 1 कप चीनी ली है। 1 कप मैदा के लिए 1 कप चीनी लेनी होगी और 1/2 कप पानी। अब इसे हाई फ्लेम पर शुगर मेल्ट होने तक पकाना है और एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक सिरप रेडी हो रहा है तब तक हम रबड़ी रेडी कर लेते हैं। इस गैस इसको मैं दूसरी गैस पर रख देती हूँ। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध बर्तन के तले में ना लगे। शुगर सिरप रेडी हो गया है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें तार बनने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, सिरप को थोड़ा ठंडा होने देंगे। दूध काफी गाढ़ा हो गया है और अपनी क्वांटिटी से आधा रह गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये मैं 2 चम्मच चीनी इसमें डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर रेगुलर चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये रबड़ी बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इतनी ही कंसिस्टेंसी में हमें रबड़ी चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। शुगर सिरप और रबड़ी दोनों ही बनकर रेडी हैं। अब हम इसमें शुगर सिरप लगाएंगे।
आपको सारे घेवर में सिरप लगाना है तो आप इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर सिरप डाल सकते हैं। इसमें जाली है तो ऊपर से जब आप सिरप डालेंगे तो नीचे तक सिरप आराम से पहुंच जाएगा और सारे घेवर एक साथ रेडी हो जाएंगे। और आप चाहें तो एक एक करके भी शुगर सिरप लगा सकते हैं। मैंने एक घेवर ले लिया है, अब हम इस तरह से इसमें सिरप लगाएंगे चारों तरफ। सिरप इसमें अच्छे से लग गया है, अब उसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। ये मैंने सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स बारीक बारीक कट कर लिए हैं, एकदम कमाल का घेवर बना है। अब मैं आपको रबड़ी वाला घेवर बना के बताती हूँ। आप यदि कम मीठा पसंद करते हैं तो इस तरह के फीके घेवर पे डायरेक्ट रबड़ी लगा सकते हैं, और या फिर पहले इस पे सिरप लगा दीजिए थोड़ा सा इस तरह से, और फिर उसके बाद हम इस पे रबड़ी लगाएंगे। तरफ अच्छे से रबड़ी लगा ली है, अब इसमें भी हम इसी तरह से थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। रबड़ी वाला घेवर भी बनकर बिल्कुल रेडी है। दोनों प्रकार के घेवर बनकर बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे घेवर बनके रेडी हुए हैं, एकदम जालीदार क्रिस्पी। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, खाली शुगर सिरप वाले भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और रबड़ी वाला चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, हो सकता है एक बार आपका शुरू में थोड़ा सा सही ना बने, लेकिन दोबारा आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।